ऐसा है, मेरे ख्याल 4 राज्यों में मानहानि के प्रकरण चल रहे हैं, क्योंकि इनके पास और कुछ तो है नहीं। तो इसलिए मैंने अपनी जमानत करा ली। ये सारी वो चिट्ठियां हैं जो मैंने 2014-2015 में और फिर बाद में अब लिखी, जिसके ऊपर अब केस रजिस्टर हुआ है। और इस प्रकरण में तो जो हमारी मांग थी सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन की, वो स्वयं स्वीकार हुई है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कि आरोपी हैं, अक्यूज्ड हैं, आज तक उनको शिवराज सिंह सरकार ने हटाया नहीं है, सरकारी मकानों में रह रहे हैं। ये सब मिलीभगत शिवराज सिंह चौहान और उनके दलालों की है जिन्होंने इस प्रदेश को लूटा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।